हेलो एवरीवन माझी रूपन स्वागत करुच्छे। एटी हम देखा बीएससी फिजिक्स सिक्स सेमिस्टर रो कोर पेपर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी रो केतरे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस जोडी एग्जाम पे इंपोर्टेंट यूनिट वाइज देखिबा। सो वीडियो इंपोर्टेंट वीडियो से देखिबो। फर्स्ट यूनिट देख इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। फर्स्ट होची गज ट्रांसफॉर्मेशंस लॉरेंज गज एंड कूलम गज एंड देयर एडवांटेजेस। ओके एटा होची इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट 1 पे। आउ गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन रहिछे पॉइंटिंग थ्योरम एंड पॉइंटिंग फैक्टर। ओके एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट 1 पे। पॉइंटिंग थ्योरम एंड पॉइंटिंग फैक्टर मैक्सिमम टाइम रिपीट होती है यार सहित फिजिकल सिग्निफिकेंस पचारि पारे। ओके आउ गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डिराइव मैक्सवेल इक्वेशंस इन डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म। ओके मैक्सवेल इक्वेशन रे डिराइव करो डिफरेंशियल फॉर्म रे एंड इंटीग्रल फॉर्म रे। ओके ये दुईटा ही इंपोर्टेंट डिफरेंशियल फॉर्मटा भी इंटीग्रल फॉर्मटा भी मैक्सिमम टाइम डिफरेंशियल फॉर्मटा पचारि थाए। ओके इंटीग्रल फॉर्मटा शॉर्ट क्वेश्चंस पे इंपोर्टेंट तो मैक्सवेल इक्वेशंस को डिराइव करोटा प्रैक्टिस करथबो डिफरेंशियल फॉर्म रे भी इंटीग्रल फॉर्म रे भी। ओके जदि इंटीग्रल फॉर्म रे लॉन्ग क्वेश्चन रे आउछ देन फी अटेंड करि परबो आउ शॉर्ट क्वेश्चंस रे आउछ देन फी अटेंड करि परबो। ओके ए तीनटा लॉन्ग क्वेश्चंस रो वेरी वेरी इंपोर्टेंट होची पॉइंटिंग थ्योरम एंड मैक्सवेल इक्वेशंस। ओके डिफरेंशियल फॉर्मटा पॉइंटिंग थ्योरम एंड मैक्सवेल इक्वेशंस आउ ए तीनटा रो जे कोनोसी गोटे आसीबो आउ सेइ थ्रू गोटे अटेंड करि परबो श्योर यूनिट 1 पे। ओके प्रति यूनिट रु दुईटा लॉन्ग क्वेश्चन आसो से गोटे ही अटेंड करवाक पड़ो तो ये तीन टू गोटे आसी पारे ना दुईटा भी आसटा आसले भी जेकोसी तुम गोटे अटेंड कर इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट 1 पे। एंड शॉर्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन कहले सीटा 1 मार्क भी 1.5 भी एंड 2 मार्क भी। ओके शॉर्ट क्वेश्चन आसपार डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट एंड तार एक्सप्रेशन बाहर करने पचारि पार एंड आउ गोटे हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ओके ईएम एनर्जी डेंसिटी तापरे फिजिकल कंसेप्ट ऑफ ईएम फील्ड एंड एनर्जी। ओके ईएम फील्ड माने हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फिजिकल कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड एनर्जी तापरे वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल एटा भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ओके सहित ऑल डेफिनेशंस एंड फॉर्मूला जितकी कोर्स रही सब डेफिनेशंस एंड फॉर्मूला सब मन रखी थे शॉर्ट क्वेश्चंस पे से काम आसो। ओके तो कोर्स जी रही है यूनिट 1 रे तार सब डेफिनेशंस एंड फॉर्मूला जोटी रही है सब मन रखी थे यहाँ है यूनिट 1 पे। नेक्स्ट हम देखा यूनिट 2 पे। यूनिट 2 पे लॉन्ग क्वेश्चन होची प्रोपगेशन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड वैक्यूम। ओके यार ऑल डिटेल्स यार अंडर जितकी रही कांसेप्ट सब डिटेल्स प्रैक्टिस करथबो काहेकि ना ए क्वेश्चन टा मैक्सिमम टाइम रिपीट होई छी। ओके प्रोपगेशन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम टा इंपोर्टेंट वैक्यूम प्राय पचारि न थाए मैक्सिमम टाइम आसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो दुईटा प्रैक्टिस करथबो। ओके तापर सेकंड टा होची इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ आयनाइज्ड गैस। ओके आयनाइज्ड गैस रो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एटा मते इंपोर्टेंट आउ यार सहित पचारि पारे प्लाज्मा फ्रिक्वेन्सी एक्सप्रेशन स्किन डेप्थ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके ये सब पचारि पार एक्सप्रेशन फॉर प्लाज्मा फ्रिक्वेन्सी स्किन डेप्थ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउ ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस पे भी इंपोर्टेंट स्किन डेप्थ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सब। ओके तो जो तुम प्रैक्टिस करु देन एटा लॉन्ग क्वेश्चन पे भी एंड शॉर्ट क्वेश्चंस पे भी काम आसो तो ये दुईटा गोटे आसो श्योर एंड गोटे अटेंड कर पार एग्जाम टोटल 4टा आसो 4टा लॉन्ग क्वेश्चन एंड बाकी सब शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके 1 मार्क्स रो आसीबो 8टा 1.5 रो 8टा एंड 2 मार्क्स रो 8टा। ओके तापर देखो शॉर्ट क्वेश्चंस ए यूनिट पे यूनिट 2 पे मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर लिनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडिया। ओके मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर लिनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडिया सेकंड होची वेव इंपेडेंस। ओके वेव इंपेडेंस एंड नेक्स्ट होची प्रोपगेशन ऑफ प्रोपागेशन थ्रू कंडक्टिंग मीडिया। ओके प्रोपागेशन ऑफ ईएम वेव्स थ्रू कंडक्टिंग मीडिया एटा भी इंपोर्टेंट तापर स्किन डेप्थ एंड तार इफेक्ट। ओके स्किन डेप्थ एंड इट्स इफेक्ट एंड आउ अच्छे इंपोर्टेंट ट्रांसवर्स नेचर ऑफ प्लेन ईएम वेव्स। ओके ट्रांसवर्स नेचर ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये सब हूँ इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस यूनिट 2 पे आउ ऑल डेफिनेशंस एंड फॉर्मूला। ओके सब यूनिट्र जितकी यूनिट रही है जितकी कोर्स रही है सब डेफिनेशंस फॉर्मूला सब मन रखी थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चंस पे।
नेक्स्ट देख यूनिट थ्री ओके यूनिट थ्री पर इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो स्टेट एंड प्रूव बाउंड्री कंडीशंस फॉर बी ई डी एंड एच ओके एट इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया यहाँ हूँ इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट थ्री पर बी हूँ इटि मैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट फैक्टर ओके इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फैक्टर यहाँ हूँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओके तो बाउंड्री कंडीशंस फॉर बी ई डी एंड एच एट इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया यहाँ मैक्सिमम टाइम रिपीट होती क्वेश्चन टा तो ये क्वेश्चन हूँ इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पे आउ इंपोर्टेंट हूँ प्रेस्टर्स लॉ यार सहित पचारि पार रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ओके रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट टा शॉर्ट क्वेश्चन पे भी इंपोर्टेंट ओके जो प्रैक्टिस करूछ तो लॉन्ग क्वेश्चन पे भी काम रे आसिबो एंड शॉर्ट क्वेश्चन पे भी काम रे आसिबो एटा होची प्रेस्टर्स लॉ ओके नेक्स्ट आउ गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव एट प्लेन इंटरफेस बिटवीन टू डायलेक्ट्रिक मीडिया यहाँ भी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट थ्री पर वेरी वेरी इंपोर्टेंट हूँ फर्स्ट क्वेश्चन टा बाउंड्री कंडीशंस फॉर बी ई डी एंड एच ओके नेक्स्ट देखिबा शॉर्ट क्वेश्चन पे इंपोर्टेंट हूँ इवेनसेंट वेव्स ओके इवेनसेंट वेव्स आउ गोटे हूँ यार डेफिनेशन पचारि पार तापरे आउ गोटे अच्छे फ्रेसनल्स फॉर्मूला फॉर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल पोलराइजेशन ओके यहाँ भी इंपोर्टेंट फ्रेसनल्स फॉर्मूला फॉर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल पोलराइजेशन एंड आउ गोटे हूँ मेटालिक रिफ्लेक्शन ओके मेटालिक रिफ्लेक्शन आउ यूनिट थ्री भी जितकी रही कोर्स तार सब डेफिनेशन एंड फॉर्मूला मैंने सब मन रखी थाओ शॉर्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट हूँ यूनिट फोर पर इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है लॉरेंस हाफ साइड पोलारिमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन ओके लॉरेंस हाफ साइड पोलारिमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट आउ गोटे इंपोर्टेंट हूँ बायट्स लॉ फॉर रोटेटरी पोलराइजेशन एंड फ्रेसनल्स थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ओके यहाँ भी इंपोर्टेंट तापर डबल रिफ्लेक्शन एंड निकल प्रिज्म ये दुटा हूँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट लॉरेंस हाफ साइड पोलारिमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन आउ क्वेश्चन नंबर टूटा बायट्स लॉ फॉर रोटेटरी पोलराइजेशन एंड फ्रेसनल्स थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ओके ये दुटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट दुटा रू तो गोटे आसो सियोर एंड गोटे अटेंड कर एग्जाम रे नेक्स्ट हूँ शॉर्ट क्वेश्चन पे इंपोर्टेंट हूँ बेबिनेट्स कंपेनसेटर एंड इट्स यूजेस ओके बेबिनेट्स कंपेनसेटर कौन आर यूजेस विषय जान थो नेक्स्ट हूँ क्वार्टर वेब प्लेट्स ताको क्यू डब्ल्यू पी बोली कहा जाए शॉर्टकट रे एंड हाफ वेब प्लेट्स एस डब्ल्यू पी बोली कहा जाए ओके ए दुटार डेफिनेशन मत पचारि पारे ओके या सिंगल सिंगल मत पचारि पारे नहले ए दुई भितर डिस्टिंग्विश कर बोली पचारि पार ओके तो क्यू डब्ल्यू पी एंड एस डब्ल्यू पी विषय डिटेल्स जानको नेक्स्ट हूँ डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ओके व्हाट इज डिग्री ऑफ पोलराइजेशन पचारि पार शॉर्ट क्वेश्चन रे आउ इंपोर्टेंट हूँ सर्कुलरली एंड एलिप्टिकली पोलराइज लाइट ओके यहाँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पे सर्कुलरली एंड एलिप्टिकली पोलराइज लाइट आउ गोटे हूँ यूनिएक्सियल एंड बायएक्सियल क्रिस्टल्स ओके यूनिएक्सियल एंड बायएक्सियल क्रिस्टल्स शॉर्ट क्वेश्चन पे आउ जितकी डेफिनेशन फॉर्मूला रही यूनिट फोर रे सब मन रखी थाओ यहाँ हूँ कोर पेपर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन कही हेन एसब हिं आस एग्जाम बट एसब हूँ इंपोर्टेंट ओके अधिक इंपोर्टेंट देते भल से भिडियो नेक्स्ट भिडियो आम देखा कोर पेपर 14 स्टैटिस्टिकल मेकानिक्स के इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन ओके सो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो पे चैनल को सब्सक्राइब करके भूलिबनी थैंक यू।